आज के समाचार के मुख्य प्रायोजक हैं मेट्रो हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, दरभंगा की शान आनंद भोग आटा। नमस्कार, सीटीवी मिथिला में आपका स्वागत है। मैं लवली जाऊँ। दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र के दोनार चौक पर गुरुवार की रात 10 बजे दो युवक के बीच आपसी रंजिश में चली कई राउंड गोली, वही मौके से 9 MM की गोली बरामद हुई। गुरुवार की रात गोलीबारी की घटना से शहर में सनसनी फैल गई। घटनास्थल से पुलिस को जिंदा 9 MM की गोली बरामद हुई। वहीं एक युवक मोहम्मद जिया पर गोली चलाई गई थी, जिसमें मोहम्मद जिया के सर के पास गोली लगते हुए निकल गया। घटनास्थल से घायल अवस्था में मोहम्मद जिया अपने घर नाका नंबर 5 भागकर चला गया। वहीं गोली मारने वाले युवक पुलिस के पहुँचने से पहले मौके बर्दात से फरार हो गया। गोलीबारी की सूचना पर पुलिस जब मोहम्मद जिया के घर पहुंची तो घायल अवस्था में देख उसे उचित इलाज के लिए DMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं गोलीबारी से दोनार चौक पर दुकान कर रहे चश्मदीद दुकानदार मोहम्मद अनवर की जान बच गई, लेकिन गोली चलने के कारण दुकान में रखे सामान की क्षति हो गई। मोहम्मद अनवर ने बताया कि दुकान के बगल में दो युवक में दो लड़ाई शुरू हो गई, जिसके बाद हमारे दुकान के सामान इधर उधर फेंकने लगा। हम लोग किसी तरह दुकान छोड़कर भाग गए बाहर भागते हुए, जिसके बाद लगातार गोली चलने लगी। गोली एक युवक को लगा भी और दोनों युवक में पहले से कोई विवाद था। देख रहे एक आदमी आया अंदर घुस गया और फिर मतलब मेरा सामान वान फेंकने लगा अगला गली पे जो गोली चलाने वाला था। फिर वो हम लोग भाग गए बाहर दुकान छोड़ करके और फिर मतलब वो गोली चलाया यहाँ पे, फिर आगे भाग गया, फिर वहाँ जाके चलाया। गोली लगा भी है क्या? हाँ, गोली यहाँ लगा हुआ। कितना लड़का था आपस में? दो गुटों में? वो दो ही आदमी था, एक जो चलाया वो, आज जिसको लगा वो, और बाकी कोई नहीं था। दोनों आपस में विवाद? हाँ, आपस में हुआ, आपसी विवाद। आपका दुकान में क्या क्षति किया? मेरा यही सामान वामान सब फूट गया, शीशा सब फूट गया, कोल्ड ड्रिंक सब गिर गया, कुर्सी तोड़ दिया। वही मोहम्मद जिया जो घायल है उसने बताया कि पहले भी हमें गोली मारी गई थी लेकिन मैं बच गया था। आज मैं दोनार मरनी का भोज खाने गया था, इसी बीच आरजू को देखा जो मेरे तरफ पिस्टल ताने हुआ था, जिसके बाद मैं बचाव के दौरा लेकिन उसने गोली चलाते हुए भागा, जिससे मुझे गोली लग गई। मेरा उससे जमीनी विवाद की लड़ाई है, जिसमें पहले भी उसने मुझे गोली मारी थी, आज फिर मुझे गोली मारा है। हमको गोली लगा हुआ था 15 का, 14 अक्टूबर को 6:30-7 बजे शाम को 2016 में शाहिद रॉफ अन्नू ये सबका पूरा गुट अर्जुआ सब जितना है बिलाल कासिम, आज क्या विवाद? आज यही हुआ कि मैं मरनी का भोज खाने गया था दुनार शिबू दास के यहाँ, दोनार चौक पर ही घर है उसका, इमामबाड़ा के बगल में, नेशनल वाले के घर के बगल पीछे में, उसी के यहाँ भोज खाने के लिए गया। मैं यहाँ से 9:45 बजे निकला, इस लड़के से 5 नाका पर रिक्शा पकड़ा, इसके रिक्शा पर बैठा, मैंने इसको बोला चलो दोनार, दोनार में जब गया वहां से भोज खाने का दिल मेरा नहीं था, मैं चला आया। मैंने वो बोला कि चलिए भैया चौक तक छोड़ देते हैं, हम बोले रिक्शा वाला है तो पैदल पैदल चौक तक आए, चौक पर बैठे, वो बोला भैया कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, तो हम बोले कि ठीक है, अमूल कोल्ड लिया, अमूल कुल दूध लेके आया, मैं पिए रहा था, पी के रखा ही, ऐसे उठा तो आवाज सुना, पीछे मुड़ा तो देखा आरजू है, वो चला रहा, मैं उसके तरफ दौड़ा, उसके बाद वो दोनार के तरफ भागा बाइक पर, कौन कौन था ये हम नहीं देखे, उसके साथ वो अकेले हमको मार रहा था, उसके पीछे आवाज दे रहा था उसको कोई लंबा आदमी जी। उससे क्या आपका पुराना दुश्मनी? पुराना क्या दुश्मनी रहेगा उससे, हमारा दर्शका इस्लामी के यहाँ पर पोखर है, हमारा जमीन है, उसी का विवाद है, चाहता है हमको दे दो, हम लोग काहे के लिए देते हैं झूठ पूछ का उसको, वो चाहता है दे दो, इसी की लड़ाई है, वो चाहता है कि हमको मार दे, हमारे भाइयों को मार दे, हमारे डैडी को मार दे, ताकि वो हासिल कर ले। गोली चलाया आपका? जी, हम पर चलाया, आप देख नहीं रहे, पूरा ब्लड है आपके अंदर, पूरा रुमाल नहीं दिख रहा आपको, पूरा ये नहीं दिख रहा, यहाँ नहीं फटा हुआ नजर आ रहा आपको, ये गोली लगा हुआ पहले 2016 का नहीं दिख रहा, 14 अक्टूबर का, क्या बोलूं, जाइए PMCS देखिए, DMCS देखिए, इन सबको तो मालूम है इनको। घटना के बाद दरभंगा पुलिस मोहम्मद जिया के बयान के बाद अपराधी आरजू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है।
पीएम अहमद हुसैन अंसारी जी की अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई है, जिसको लेकर दरभंगा कलेक्ट्रेट में डीएम सहित अन्य पदाधिकारी 2 मिनट का मौन व्रत रखा, साथ ही कार्यालय की कार्यवाही 2 बजे तक ही चला। समारोह संभर के सभी पदाधिकारियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया और फिर 2 बजे के बाद से कार्यालय बंद करने का निर्णय लिया गया। अंसारी साहब का कल हृदय गति रुकने से देहांत हो गया और हम सभी लोग जितने पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग बहुत ही मर्माहत हैं। वो न केवल एक कुशल पदाधिकारी थे बल्कि व्यवहार कुशल व्यक्ति भी थे, अच्छे इंसान भी थे और बहुत ही शांत होकर के बड़े कुशलतापूर्वक अपने कार्यों का संपादन करते थे। तो एक बहुत बड़ी क्षति हम लोगों के कार्यालय के लिए भी और उनके परिवार के लिए तो है ही है और हम सभी लोग उनके परिवार के साथ हैं। छुट्टी घड़ी में जो भी सहयोग होगा हम सभी लोग करेंगे उनका, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम लोगों ने 2 मिनट अभी मौन रखा है और प्रार्थना की है। कांड संख्या 202/17 में हुए कांड की निर्दोष लोगों की बड़ी करने व दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन लहरिया सराय स्थित धरना स्थल पर किया गया। बड़ी करना होगा, ये आप लोग को मालूम होगा कि दरभंगा में 14 दिसंबर को मझियामा हाट पर होमगार्ड का जवान कैलाश यादव की हत्या होती है किसी अपराधियों के द्वारा और अखबार के और मीडिया के सुर्खियों में आता है और स्थानीय ग्रामीण जो गंदा राजनीति है, वहाँ के एमपी एमएलए जो अभी वर्तमान में है और जो पूर्व में थे, उन तमाम लोगों का जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति के जो गंदा राजनीति का जो उपज है, जिस वजह से गंदे राजनीति की वजह से 5 लोगों को, निर्दोष लोगों को बल्कि उसमें नामजद कर दिया गया। केवटी थाना 202 कांड संख्या 17 में जो घटना घटी थी उसमें मैं आपको बता दूं कि रामविलास यादव की हत्या हुई थी, अपराधियों ने किया था, लेकिन थाना कितनी निकम्मी है, जो दोषी है वो फरार हैं और जो निर्दोष लोग हैं उसको पकड़ धकर किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। तो इसी सवाल को लेकर आज केवटी के तमाम जो ग्रामीण लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो एएसपी के समक्ष धरना के माध्यम से ये बताने की, ये कहने के लिए आए हैं कि जो दोषी है वो बचे नहीं, जो निर्दोष लोग हैं वो फंसे नहीं। 5 लोग हैं वह बिल्कुल निर्दोष है, उस हत्या में वो कहीं से भी संलिप्त नहीं है और हत्या में जो लोग संदिग्ध थे उसको नामजद अभियुक्त नहीं बनाया गया। और दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के सोनकी चौक से आ रहे एक व्यक्ति को कल्याणा चौक पर मोटरसाइकिल सवार ने ठोकर मार दिया जिसकी मौत हो गई। गांव से आ रहा था सेंटर चौक के समीप, आपको जो 85 भट्टा है वहीं पर ही साइकिल से रोड से आ रहे थे, उस क्रम में पीछे से बाइक वाला या 2 आदमी सवार था, उस क्रम में इनको जो है ठोकर मार दिया और गाड़ी लेकर चला गया। उसके बाद जो है एक आदमी वहाँ जो है लड़का था उसके पीछे बैठा, वो जो है पकड़ा गया, कुछ आदमी वहाँ के लोग उसको पकड़ के रखे और थाना को सपोर्ट कर दिया। इसके जो है जड़ में भट्टा वाला को देने के लिए 40,000 रुपया था, वो भी इसके जड़ से गया, वो प्राप्त नहीं हुई है, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई। समर्पण मानव सेवा के बैनर तले बलिदान दिवस के अवसर पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, डीएमसीएच ब्लड बैंक में शुक्रवार को की गई। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज का रक्त हम शहीदों को समर्पित करते हैं जो देश की सेवा के लिए अपनी जान तक किया, उन्हीं के ऊपर था रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ।
चैती छठ पूजा को लेकर शुक्रवार की संध्या अर्घ दिया गया। मिथिलांचल में चैती छठ पूजा मनाने वाली की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग आस्था में पर्व को लोग उल्लास के साथ मना रहे हैं। पोता के ममता कने चले गए छठी में हमारा पोता होत न तो हम पवनी करब तो वह हम पवनी कर रहे हैं तीन साल ममता कने चले कोरके ममता के लिए जे हमारा जमीन के ऊपर भ जाए दस दूरस अपना स्थापना क ले हम जमीन पर तब हम छठ उठा ले बरत उठा ले। मधुबनी जिले के जयनगर में भी बड़ी ही धूमधाम से छठ पूजा मनाया गया। शनिवार को पट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। शहर में जगह जगह चैती दुर्गा पूजा को लेकर आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। सार्वजनिक चैती बासंती दुर्गा पूजा ब्रह्म स्थान मनोरा के नाम से और ये इलाका में पंचायत पंचायत के अलग भी गांव सबके सहयोग से हम लोग अभी तक पूजा कर रहे हैं। 12 बरस ये है और पूजा प्रांगण से ये जुलूस कलश शोभा यात्रा डिस्टोल छपरा खरसामा चौक होते हुए असगांव के बगल होते हुए पूजा स्थल पर में लौट के। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है शुभकांत चौधरी। बिहार दिवस पर दरभंगा में देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं जिसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। के गीत गुनगुनाएंगे के लिए उसे याद करने के लिए और बिहार के रूप में जो हम सभी लोगों को पहचान मिली थी उसे याद करने के लिए दिवस मनाया जाता है। इसको हम लोग ये भी मनाते हैं
आज दिन में जो कार्यक्रम हुआ उसमें स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम था, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय बनाने का जो लक्ष्य है उसको हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि उसको हम लोग 2 अक्टूबर 2018 तक इस साल के अंत तक पूरा करेंगे। इस प्रकार के संकल्पों को दोहराने और उन्हें हासिल करने के लिए भी इस अवसर का उपयोग हम लोग करते हैं। और हम सभी लोगों को गर्व है कि हम बिहार के वासी हैं, बिहार हमारी जन्मभूमि है या कर्म भूमि। हम सभी लोग आज संकल्प लेते हैं कि इसके विकास में जो भी सहयोग हम सभी लोगों से बनेगा हम सभी लोग करेंगे और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान हम लोग करेंगे और समाज में आपसी भाईचारा हम सभी लोग बनाए रखेंगे। ये हम सभी लोग संकल्प लें, एक अच्छे नागरिक बने। आप करेंगे श्री सुमन कुमार। उप निर्वाचन पदाधिकारी श्री नरोत्तम कुमार साहब। हाँ, डीपीएम जीविता आजा प्रमोद कुमार। प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका जाले। सैमुल हसन प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका घनश्यामपुर दरभंगा। श्री अमित कुमार प्रबंधक स्वास्थ्य और पोषण जीविका दरभंगा। Beep, 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 beep.
सबको है पढ़ के अब दिखाना।